हाँ जी बच्चों नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है वो है आपका इंस्पेक्शन। सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर पहले हो चुके हैं, तो आज ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। टॉपिक नेम इंस्पेक्शन। सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन क्या है? एक आपका कॉमन मेथड है जिसको हम यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए एंड क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप के लिए। मींस जहां भी हमें किसी मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने की जरूरत पड़ती है, यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाने की और क्वालिटी को मेंटेन रखने की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम इंस्पेक्शन का यूज करते हैं। इंस्पेक्शन एक तरह की चेकिंग टेक्निक है। इट इज द कॉस्ट ऑफ आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी आफ्टर कंपैरिजन विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले से सेट जो हमारे एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ अपने काम को कंपैरिजन करते हैं, और कंपेयर करने के बाद अपने काम की इंस्पेक्शन करते हैं। जो भी उसकी कमियां होती हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करने के बाद। तो ये है हमारा इंस्पेक्शन प्रोसेस। और ये क्या है? इट इज द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कंट्रोल करने के काम आता है। इफ योर टीम डज नॉट फॉल विद द जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी इट विल बी रिजेक्टेड। कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो टीम ने कोई भी आइटम बनाई है अगर वो आपकी एक्सेप्टेबल कैटेगरी में नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन में हमारे हाथ में ये पावर होती है कि हम उस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं और अपने डिफेक्टिव आइटम्स को छांट सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी सही आइटम्स हैं, स्टैंडर्ड आइटम्स हैं, उन्हीं का एक लोट हम तैयार करके उनको बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट को आगे भेज सकते हैं। एन इंस्पेक्शन इज एन इंडिस्पेंसेबल टूल ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इट हेल्प्स टू कंट्रोल क्वालिटी, रिड्यूसेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एलिमिनेट्स स्क्रैप लॉसेस एंड असाइनेबल कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव वर्क। क्या क्या है कि लास्ट में यही चीज है कि एक हमारा टूल है जिसका यूज करके हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करते हैं, स्क्रैप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्क्रैप क्या होता है? वेस्ट। एंड असाइनेबल कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव वर्क, और डिफेक्टिव वर्क होने के जितने भी चांस हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये सारा हम इंस्पेक्शन के साथ ही अचीव कर सकते हैं। इंस्पेक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। क्या होती है? इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी, और इंस्पेक्शन इज द चेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड कंपोनेंट्स। किसी भी लेवल पे अगर हम अपने प्रोडक्ट की चेकिंग कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो अंडर प्रोसेसिंग हो, या फिर वो सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड हो चुका हो, कंपोनेंट की जब हम चेकिंग करते हैं उसके स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कंपोनेंट्स। इस टूल की हेल्प लेके हम अपने एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब क्या क्या चीजें आती हैं इंस्पेक्शन के अंदर वो देखिए। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग्स। जो भी हम आइटम बना रहे हैं उसको हमें स्पेसिफिकेशन कुछ सेट करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो कुछ भी प्रोडक्शन हो रही हो, तो उन स्टैंडर्ड्स को लागू करने के लिए वो हमारा सारा इंस्पेक्शन का ही पार्ट है। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ डाइमेंशंस और अदर रिलेटेड पैरामीटर्स। ठीक है, जब भी हमें डाइमेंशंस को मेजर करना हो और कोई भी अदर पैरामीटर्स को मेजर करना हो, तो हम इंस्पेक्शन की हेल्प लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स गाइड्स। इंस्ट्रूमेंट का सही तरीके से सिलेक्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है वो भी आपको इंस्पेक्शन में ही होता है। और सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? जो भी कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, जैसे हम वेट को केजी में मापते हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं, ये सारे स्टेप हम इंस्पेक्शन में कवर करते हैं। और इंस्पेक्शन का हम आल्सो यूज करते हैं कंपैरिजन में, कंपैरिजन बिटवीन स्पेसिफाइड एंड मेजर्ड वैल्यू। स्पेसिफाइड क्या है? जो पहले से पता हो, और मेजर्ड वैल्यू हो, मेजर वो है जो हम अभी परफॉर्म करके वैल्यू निकाल रहे हैं। स्पेसिफाइड जो पहले से हमें डाटा गिवन है कि इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू वो है जो अभी चल रही है, रीडिंग चल रही है आपके एक्सपेरिमेंट में। दोनों को कंपेयर करते हैं, वो इंस्पेक्शन के अंदर होता है। एंड बेस्ड ऑन द एक्ट ऑफ कंपैरिजन प्रॉपर डिसीजन टू बी टेकन। और जो हम कंपैरिजन करते हैं
उसके बेस पे दोनों डाटा को कंपेयर करके हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि हमने इस आइटम को आगे रखना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इससे हमें यह पता लगता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्वालिटी का पता लगता है, क्वालिटी किस लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो, और उसकी परचेजिंग करनी है या नहीं करनी, ये हमें इंस्पेक्शन से ही पता लगता है। टू सॉर्ट आउट द पुअर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड दस टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स। दूसरा है पॉइंट आपका कि हमें जो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट करने के काम आता है इंस्पेक्शन, ठीक है, सॉर्ट करने के काम आता है। सॉर्टनिंग होती है ना, बढ़िया और घटिया प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग वैरायटी में बांट देते हैं, और जो आपका थोड़ा लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बन जाता है जाने अनजाने में, उसको हम थोड़ा कम प्राइस करके या फिर सेल में निकाल देते हैं, ये आपके इंस्पेक्शन से पता लगता है। टू एस्टेब्लिश एंड इंक्रीज देयर रेपुटेशन बाय प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम रिसीविंग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इंस्पेक्शन से एक ये भी चीज पॉसिबल है कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन बनी रहती है, क्योंकि आप अवॉइड करते हैं कि कस्टमर्स तक आपका पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बेटर क्वालिटी की चीज ही कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे? जितना भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा उसको हम इंस्पेक्शन से वहीं पर रिमूव कर देंगे, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्टिव है डिटेक्ट द सोर्स ऑफ वीकनेस एंड फेलियर इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जितनी भी आपकी वीकनेस होती है, फेलियर होने के चांसेस रहते हैं फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, वो हम क्या करते हैं उसी टाइम पे पहले ही एडवांस में ही वीकनेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे चल के प्रोडक्ट फेल ना हो आपका जब वो कस्टमर के बीच में परफॉर्म करे। तो ये आपके मेन मेन ऑब्जेक्टिव हैं इंस्पेक्शन के। अब इसमें आगे भी हमारे टॉपिक हैं नीड ऑफ इंस्पेक्शन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन का क्या क्या यूज है? तो दीज आर द फॉलोइंग यूजेज ऑफ नीड ऑफ इंस्पेक्शन इन इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंश्योर डेट द पार्ट मटेरियल और कंपोनेंट कंफर्म्स द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्यों हम यूज करते हैं इंस्पेक्शन को? इंस्पेक्शन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा कंपोनेंट है, मटेरियल है, पार्ट है, वो अपना कंफर्म करे एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के ऊपर, अपना अपनी पहचान को कायम कर रख सके। जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने मार्केट में उसके एडवर्टाइजमेंट किए, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे, इसलिए इंस्पेक्शन जरूरी हो जाती है। सेकेंड, टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब वैरायटी, रेंज ऑफ वैरायटी। तो मैन्युफैक्चरर की अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी मेंटेन रखने के लिए हम इंस्पेक्शन का यूज करते हैं। टू मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय इंश्योरिंग दैट नो फॉल्टी प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर। तो हमने क्या करना है, कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव रखना है, तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कस्टमर पे कभी भी डिफॉल्टी प्रोडक्ट ना जाए, अगर जाए तो हम उसको वापस लें। प्रोवाइड द मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट शॉर्टकमिंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग। अब ये भी इसी का ही इंस्पेक्शन से ही पॉसिबल है कि जो भी हमारी इस प्रोडक्शन में शॉर्टकमिंग हो रही है, जो गलती होने के चांसेस है उसको दूर किया जा सके, वो इंस्पेक्शन से हम कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू परचेज ए गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल टूल्स इक्विपमेंट विच गवर्न्स द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंस्पेक्शन, अगर हम रॉ मटेरियल की परचेसिंग के टाइम ध्यान दें, प्रॉपर इंस्पेक्शन करके अपना सामान खरीदें सारा, और टूल्स भी खरीदें, तो जब हम अपने प्रोडक्ट को फिनिश करते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट रहता है, हम अपने मटेरियल को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि पहले ही अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, परचेसिंग एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, हेल्प करता है इंस्पेक्शन, हेल्प करता है आपका टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, परचेसिंग एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, परचेसिंग का डिपार्टमेंट होता है, इन सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं इंस्पेक्शन का। और लास्ट, टू टेक डिसीजन ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट्स। अगर गलती से आपके डिफेक्टिव पार्ट्स की प्रोडक्शन हो जाती है तो उनको कैसे हटाना है, ये हमें बताता है इंस्पेक्शन। अब नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। क्या क्या पर्पस है, सबसे पहले देखिए, टू डिस्टिंग्विश गुड आइटम्स, गुड लोड्स फ्रॉम बैड लोड्स।
हमने अच्छे आइटम्स को सेपरेट करना है बैड आइटम्स से, उससे हमें अपनी एक क्वालिटी बनाने में मदद मिलती है, टू डिस्टिंग्विश गुड पीसेस फ्रॉम बैड पीसेस, अपने अच्छे पीसेस को, जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं गुड पीसेस को बैड पीसेस से अलग करने में हेल्प मिलती है, टू डिटरमिन इफ द प्रोसेस इज चेंजिंग, टू डिटरमिन इफ द प्रोसेस इज चेंजिंग, इसका मतलब आप पता लगाना है कि जहां पे कोई चेंज आ रहा है प्रोसेस में, जो पहले आपका प्लान नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज तभी ला सकते हैं जब आप स्टेप टू स्टेप उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज अप्रोचिंग द स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, यह पता लगाने के लिए कि जो आपका प्रोसेस है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट है टॉलरेंस की, जितना हमने अलाउ किया है मिस्टेक और डिफेक्ट, उससे अगर ऊपर जाता है तो उसको हमने कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर एक लिमिट तक ही किसी भी डिफेक्ट को अप्रूव करता है, एक्सेप्ट करता है, अगर उसको हम चीज सस्ती भी दे दें तो अगर उससे ज्यादा अगर उसमें डिफेक्ट आएगा तो फिर वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ठीक है। टू रेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टू रेट द मतलब आपने जो क्वालिटी कंट्रोल में आपका जो सेल है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वहां पे आपने रेटिंग देनी है अपने जितने भी आपके वर्कमैन हैं, लेबर है, उनको आपने क्वालिटी रेटिंग देनी है डेली वर्क के लिए, जिससे उनको आगे के लिए मोटिवेशन मिले। टू रेट द एक्यूरेसी ऑफ इंस्पेक्टर्स, आपके जो वर्कशॉप में इंस्पेक्टर्स हैं आपकी फैक्ट्री में, उनको भी आपने रेटिंग देनी है, उनकी आपने रेटिंग मेंटेन करनी है। टू मेजर द प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हमने क्या करना है, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम चेक करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो या कोई और स्क्रू गाइज, जो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका हमने क्या करना है, प्रिसीजन चेक करते रहना है। प्रिसीजन मतलब वो सही काम कर भी रहे हैं नहीं, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल आपका ऑक्सीमीटर यूज हो रहा है मार्केट में, वो ऑक्सीजन लेवल चेक बता तो देता है बट उसका प्रिसीजन नहीं है, जो आपके चाइनीज आ रहे हैं उसमें हमें पता नहीं है जो रीडिंग दे रहा है वो कितनी एक्यूरेट है, तो प्रिसीजन आपको पता होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो कितने एक्यूरेट हैं, ठीक है, अगर वो एक्यूरेट होंगे तभी वो रीडिंग भी एक्यूरेट देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, टू सिक्योर प्रोडक्ट्स डिजाइन इंफॉर्मेशन, मीन्स अपने प्रोडक्ट को सिक्योर रखने के लिए हमें उसकी डिजाइन इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, क्या क्या हमने स्टेप्स का यूज करके डिजाइन बनाया है, वो सारी हमें इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स को। टू मेजर प्रोसेस कैपेबिलिटी, इसका मतलब है कि प्रोसेस की कैपेबिलिटी पता लगाने के लिए कि एक बार में हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये सारे पर्पस है हमारे इंस्पेक्शन के। अब इसके बाद आती है आपकी स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन, देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन, वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है आपकी इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, फर्स्ट स्टेज है, इसमें हम चेक करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, कैसे चेक करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड रिसीविंग इंस्पेक्शन, जब हम बाहर से इनकमिंग मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं मार्केट से अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, तो उसमें हमें क्या करना होता है, इंस्पेक्टिंग एंड चेकिंग ऑफ ऑल द परचेज रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स दैट आर सप्लाइड बिफोर दे आर टेकन ऑन द स्टॉक और यूज्ड इन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, हम जितना भी परचेजिंग कर रहे हैं मार्केट से या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अपनी असेंबली में जोड़ने के लिए, उस सब का हमने अच्छे से इंस्पेक्शन करना है कि वो सारा प्रोडक्ट सही क्वालिटी का है। द इंस्पेक्शन मे टेक्स प्लेस आइदर एट द सप्लायर एंड और एट द मैन्युफैक्चरर्स गेट, कहते हैं कि इंस्पेक्शन दोनों जगह पे पॉसिबल है, यहाँ तो हम सप्लायर को ही बोल दें कि आप ये चेक करके दीजिए, आप हमसे चाहे थोड़े चार्ज ज्यादा कर दीजिए, रेट को थोड़ा ज्यादा चार्ज कर दीजिए, बट हमें जो लोट मिलना चाहिए वो बढ़िया क्वालिटी का मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये या तो हम सप्लायर को ही बोल देते हैं या तो हम अपनी जब हम एंट्री करते हैं रॉ मटेरियल की तो हम वहां पे कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि वहां पे एक बार दोबारा से चेकिंग हो सारे मटेरियल की। इफ द इनकमिंग मटेरियल आर लार्ज इन क्वांटिटी एंड इन्वॉल्व ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट इज इकोनॉमिकल एट द प्लेस ऑफ वेंडर और सप्लायर, क्या कह रहा है, अगर बहुत ज्यादा आपका बल्क में सामान आता है तो आपको यही इकोनॉमिकल रहेगा कि आप पहले ही वेंडर को ही बोल दें, सप्लायर को ही, कि आप वहीं से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके ही हमें भेजें ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो प्रोसेसिंग की। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल। अब आपका सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड स्टेज है इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, अब जो आपने मटेरियल परचेज कर लिया है उसकी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, द वर्क ऑफ द इंस्पेक्शन इज डन व्हाइल द प्रोडक्शन प्रोसेस इज साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन,
इसका मतलब है जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है तो हमने साथ साथ प्रोडक्शन करते हुए भी ध्यान देना है क्वालिटी कैसी बन रही है, क्योंकि अगर एक बार आपका सारा लोड बन के तैयार हो गया और उसके बाद हमें पता लगा कि कोई कमी रह गई थी तो हमारा पूरा लोड वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना है, वेरियस वर्क सेंटर्स में मैन और मशीन्स को एम्प्लॉय करना है ताकि वो क्रिटिकल प्रोडक्शन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दे सकें, उन पॉइंट्स को फोकस करें जहां पे ज्यादा गलती होती है हर बार। ठीक है, दिस हैड द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी ऑन डिफेक्टिव यूनिट्स एंड प्रिवेंटिंग डिलेज इन असेंबली। तो ये हमारी काफी टाइम की और मनी की वेस्टेज को बचाता है, क्योंकि हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनने से पहले ही हम उसको बचा देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, और इससे हमारा असेंबली में जो डिले होने के चांस होते हैं वो भी हमारा बच जाता है। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेज जो हमने प्रोडक्शन करते हुए ध्यान देना है। थर्ड स्टेज है आपकी इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड में क्या आता है आपका, इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड में आता है दिस इज द लास्ट स्टेज व्हेन फिनिश्ड गुड्स आर इंस्पेक्टेड एंड कैरिड आउट बिफोर मार्केटिंग टू सी डेट पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मे बी आइदर रिजेक्टेड और सोल्ड एट रिड्यूस्ड प्राइसेस। ये हमने ध्यान देना है कि ये हमारी लास्ट स्टेज है जब हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, वो मार्केट में जाने के लिए तैयार होता है, तो हमने वहां पे चेक करना है कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हमने अलग करना है, रिजेक्ट करना है, और या तो अगर नहीं कर सकते ज्यादा बन गया तो हमने उनका प्राइस पहले से डिक्रीज कर देना है, ताकि क्या है कि कस्टमर हमें इसके ऊपर कंप्लेंट ना दे कि आपने जो इस बार लोड भेजा है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का भेजा है। अगर हम प्राइस को भी कम कर देंगे तो भी हमें वो कस्टमर कस्टमर की जो नाराज होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं हमारे। तो ये है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ, तीन स्टेजेस में इंस्पेक्शन होता है, हमने स्टेजेस इसकी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इंस्पेक्शन का। तो बच्चों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी। स्टेजेस में क्या था, आपकी तीन स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज जो हमने रॉ मटेरियल के टाइम पे परचेज करते हुए ध्यान देना है, सेकंड स्टेज प्रोडक्शन प्रोसेस करते हुए, और थर्ड स्टेज है आपकी जब आपका प्रोडक्ट फिनिश हो चुका है उस टाइम आपने ध्यान देना है कि आपने जो प्रोडक्ट तैयार कर दिया है कि उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद आता है आपका मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, हमने कैसे इंस्पेक्शन को परफॉर्म करना है अपनी फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर जो भी आपकी यूनिट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, फर्स्ट इज 100% इंस्पेक्शन एंड सेकंड इज सैंपलिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, देयर मेनली टू टाइप्स, फर्स्ट है आपकी 100% इंस्पेक्शन और सैंपलिंग इंस्पेक्शन, दो दो टाइप है, 100% इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग इंस्पेक्शन। आपने ध्यान रखना है कितने टाइप्स हैं, क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया ये। अब हम पहले वाले टॉपिक को देख रहे हैं, 100% इंस्पेक्शन में क्या होता है, दिस टाइप विल इन्वॉल्व केयरफुल इंस्पेक्शन इन डिटेल। इसमें हमने क्वालिटी का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होता है, हमने हर पीस को इंडिविजुअली चेक करना है उसकी क्वालिटी को। ठीक है, और इसमें हमने ऐसा कोई भी मेथड यूज नहीं करना, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से हमने चेक करना है, हमने कोई भी ऐसा मेथड यूज नहीं करना चेक करने के लिए जिससे हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो, डिस्ट्रक्टिव हो, टूटे। ठीक है, हमने हाथों से मशीनों से एक एक पीस को चेक करना है फिर आगे भेजना है। बट ये क्या है आपका, काफी कॉस्टली मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका जो एक एक पीस को चेक करना पड़ता है सेपरेटली चेक करना पड़ता है, तो इससे आपकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। इसमें क्या एडवांटेज है इसके, देयर इज नो सैंपलिंग एरर, इसमें हमारे एरर के चांस कम हो जाते हैं। दिस इज सब्जेक्टेड टू इंस्पेक्शन एंड एरर राइजिंग आउट ऑफ फेटिग। अब इसमें गलती होने के चांस कहाँ रहते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक एक पीस को सेपरेट चेक करना पड़ता है, तो कई बार क्या होता है जो इंस्पेक्टर है आपका चेक करने वाला वो उसको फेटिग हो जाती है। फेटिग मतलब उसको थकावट हो जाती है लगातार एक ही काम को बार बार करके, या तो वो नेग्लिजेंसी बरतता है काम को करते हुए, या फिर डिफिकल्टी ऑफ सुपरविजन, या तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सुपरविजन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो इन चांसेस में यहाँ पे गलती होने के चांसेस जनरेट हो जाते हैं। हेंस कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ इन्फरेंसेस सैडम अटेंड। इसलिए इस प्रोसेस में भी 100% इंस्पेक्शन हम कह तो देते हैं, बट फिर भी 100% क्वालिटी मेंटेन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इट इज सुटेबल व्हेन ए स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस, इट इज सुटेबल व्हेन ए स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस आर देयर और ए वेरी हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी इज रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम हर पीस को सेपरेट स्टडी करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है,
तो हम ये तभी यूज करते हैं मेथड जब हमारा जो लोट है वो छोटा हो, उसमें आपके पीस बहुत कम हो, ठीक है, या तो वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हो जिसके लिए कस्टमर हमें बहुत ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो, वहां पे हम 100% इंस्पेक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसके, देखिए जेट इंजन, जहां पे एक छोटी सी गलती भी आपका करोड़ों का अरबों का नुकसान कर सकती है। एयरक्राफ्ट, मेडिकल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट, ये सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं 100% इंस्पेक्शन। अब 100% इंस्पेक्शन क्या है, क्या है कि नॉट प्रेफरेबल इन द इंडस्ट्री, कहता है ये हम इंडस्ट्री में लागू नहीं कर सकते क्योंकि इंडस्ट्री में हर तरह की प्रोडक्शन होती है, सस्ते प्रोडक्ट की भी महंगे प्रोडक्ट की भी, तो हम इन चीजों को 100% इंस्पेक्शन को वहीं पे लागू करते हैं जहाँ पे सेफ्टी ज्यादा जरूरी होती है, जैसे मेडिकल हो गया और हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट हो गए, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। और जहाँ और बाकी जगह पे हम क्या कोशिश करते हैं, जहाँ पे मास प्रोडक्शन होती है वहां पे हम कुछ और टेक्निक जो सैम्पलिंग वाली टेक्निक है वो यूज करने की कोशिश करते हैं। उसके क्या कारण है, द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन इज मोर एज कम्पेयर टू सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, क्योंकि इसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, टाइम ज्यादा लगता है और ऑपरेटर को फैटीग ज्यादा होने के चांस रहते हैं, थकावट होने के चांस रहते हैं, और मोस्ट ऑफ इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन, और इसमें हमें जो टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। ड्यू टू मोर हैंडलिंग चांसेस ऑफ डैमेज इंक्रीजेस, इसमें जो डैमेज होने के चांस हैं, हैंडलिंग हर प्रोडक्ट को हम एक एक प्रोडक्ट को हैंडल चेक करते हैं, तो इसमें आपके ज्यादा प्रोडक्ट के डैमेज होने के भी चांस रहते हैं। और 100% इंस्पेक्शन नॉट पॉसिबल वेयर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। अब क्या क्या है, एक होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये तो एक होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो होती है जिसमें हम पानी के प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के और बहुत ज्यादा फोर्सेस को जैसे मशीन के अंदर प्रेस करके चेक करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहीं डैमेज ना हो जाए, तो उसके अंदर भी चेक करते हुए भी कई बार आपका डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट, तो हम इसलिए इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं करते। तो इंडस्ट्री में हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो सेकेंड टेक्निक है, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। अब क्या होता है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, आप कभी वीट खरीदने जाओ मंडी में, कनक खरीदने जाओ, तो आपने देखा होगा वहां पे कैसे सैंपल चेक करवाते हैं आपको, आप कहते हो कि हमें सैंपल दीजिए, सैंपल चेक करवाइए, तो वो जाते हैं अंदर किसी भी बोरी में जाके, किसी भी आपका जो बैग है, बीन बैग है वीट का, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उसमें से भर के निकालते हैं सैंपल थोड़ा सा लोट, और आपको चेक करवाते हैं, लोट चेक करवाते हैं। वो क्या है, वो एक आपको सैंपल देके दिखाते हैं कि हमारा सारा प्रोडक्ट इसी क्वालिटी का है, हम आपको एक एक दाना तो दिखा नहीं सकते, तो ये आपकी टेक्निक होती है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी बीच में से एक प्रोडक्ट उठा देते हैं या एक बैच उठा देते हैं और उसका प्रॉपर टेस्ट करके दिखाते हैं, इंस्पेक्शन करके दिखाते हैं। इफ द सैंपल प्रूव्स डिफेक्टिव द इंटायर कंसर्न टू बी रिजेक्टेड, अगर आपका सैंपल रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पूरा लोट ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर आपका सैंपल अप्रूव हो जाता है तो आपका पूरा लोट खरीद लिया जाता है, ये इसमें होता है सैंपलिंग इंस्पेक्शन के अंदर। अब इसका बेनिफिट क्या है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन का, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन चीपर है और क्विकर है, जल्दी हो जाती है और सस्ती पड़ती है। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स, और इसमें हमें ज्यादा इंस्पेक्टर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक ही इंसान सैंपल चेक करवा सकता है। इट्स सब्जेक्टेड टू सैम्पलिंग एरर्स बट द मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर कैन बी एस्टिमेटेड, तो इसमें सैम्पलिंग में कई बार एरर हो जाती है, उसके कारण आपका कई बार प्रोडक्ट कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है, इसके साइड इफेक्ट हैं, तो हमें सैंपल देते हुए ध्यान देना है कि हम जो लोट दे रहे हैं उसी का ही सैंपल दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से सैंपल ना दे दें, तो कई बार हमारा सही प्रोडक्ट भी रिजेक्ट हो जाता है गलत सैंपल के कारण। इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट रैंडम और सैंपलिंग इंस्पेक्शन इज डिजायरेबल। अब क्या कह रहे हैं, जहां पे हमने अभी स्टडी किया था जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, जहां पे हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट को ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कि वो ये चीजें सहन कर पाएगा या नहीं, वहां पे हम रैंडम सैंपलिंग को एम्प्लॉय करते हैं क्योंकि इसमें हमारा टाइम कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगती है। तो ये सेकंड टेक्निक है हमारी सैंपलिंग टेक्निक। दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन गवर्न्स वाइड करेंसी ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स और इक्विपमेंट्स। क्या कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा करेंसी की यूज होती है क्योंकि इसमें हमें ऑटोमेटिक मशीनें लगानी पड़ती हैं सैंपलिंग मशीनों में, विच आर लेस सस्पेक्टेबल टू चांसेस ऑफ वेरिएबल एंड हेंस रिक्वायर लेस इंस्पेक्शन सुटेबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स विच हैव लेस प्रसिजन इंपोर्टेंस है एंड आर लेस कॉस्टली। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं, इसमें हम ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज कर सकते हैं और हमें ये सस्ता पड़ता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, और इंस्पेक्शन ऑफ
जो परसीजन भी हमारा थोड़ा, इसमें ये है कि परसीजन थोड़ा कम हो जाता है हमारा। परसीजन क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों कम हो जाती है, क्योंकि उसमें तो हम एक एक प्रोडक्ट को चेक करते हैं 100% इंस्पेक्शन में, बट इसमें हम एक एक प्रोडक्ट को चेक नहीं करते, हम लोड को चेक करते हैं ओवरऑल। ठीक है, एक छोटा सा सैंपल देके। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इंडस्ट्री में, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब, रेडियो बल्ब, वॉशिंग मशीन्स, ये सब की हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम सबको नहीं चेक करते, चला के नहीं देखते भेजने से पहले डीलर्स के पास। हम कोई एक आधा पीस चेक कर देते हैं, ये ठीक है लोड, उसके बेस पे हम इसको पास करके भेज देते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, इसमें पहले ये देखिए चीज, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कंडक्टिंग फॉर द प्रोडक्ट्स हुज एंड्योरेंस और अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड। इसमें हमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, कंडक्ट करने पड़ते हैं, जहां पे हमें स्ट्रेंथ को निकालने की जरूरत पड़ती है। और एग्जाम्पल क्या है इसके, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं सैम्पलिंग इंस्पेक्शन में, जहां पे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब जो आपका सैम्पलिंग प्लान है, वो आपका तीन तरह का सैंपल देते हैं, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान, या फिर मल्टी सैम्पलिंग प्लान। क्या होता है, ये होते हैं जब हम सैंपल देते हैं, या तो हम कस्टमर को एक ही सैंपल दिखाते हैं, आप कहीं से भी दे दीजिए, हम एक सैंपल आपको चेक करवाएंगे, उसको कहते हैं हम सिंगल सिंगल सैम्पलिंग प्लान। और जब वो हम उसको दो सैंपल चेक करवाते हैं, तो उसको कहते हैं डबल सैम्पलिंग प्लान। हम कि नहीं, जो दो जगहों से सैंपल को चेक करवाते हैं, उस बेस पे हम लोड को बेच पाते हैं, बेचना है या नहीं बेचना, दोनों सैंपल का एवरेज होता है, उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। और मल्टी सैम्पलिंग प्लान में हम ज्यादा सैंपल देते हैं, 2 से 5 भी हो सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, बीच बीच में से हम सैंपल देते हैं। तो ये थे आपके टाइप ऑफ सैंपलिंग। और इसमें एक एक लास्ट में हमारा टॉपिक रह गया बच्चों की, रोल ऑफ ऑपरेटर एंड इंस्पेक्टर इन इंस्पेक्शन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम हमारा ऑपरेटर है यूज करने, जो हम जिसको हमने रखा हुआ है, इंस्पेक्टर है जिसको हमने एम्प्लॉय किया है अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसका रोल आपका कितना इम्पोर्टेंट है, उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है जब आप उसको हायर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है इसकी भी, क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जो आपका पूरा सिस्टम को मैनेज कर रहा है। इसलिए हमें हमें चेक करना है कि जो ऑपरेटर रखा हुआ है, इंस्पेक्टर रखा हुआ है, उसमें सारी क्वालिटीज हों, क्या क्या क्वालिटीज है वो देखते हैं हम। जो आपका इंस्पेक्टर है उसमें वो एबल होना चाहिए टू प्लान टू शॉर्ट एंड मीडियम टर्म साइकिल्स। वो क्या हो, छोटे और मीडियम प्लान्स को बनाने वाला हो, उसको बनाने की टेक्निक पता हो, कैसे प्लान्स बनाने हैं सेल के, और कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है विद इन द अप्रोप्रिएटली विद इन द फंक्शन टू मैच दीज टू अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट नॉन रिस्क टू डिलीवरी। उसको पता होना चाहिए जब हम डिलीवरी देते हैं किसी कस्टमर को, कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है, तो वो उनके ऊपर पहले ही होमवर्क करके रखे। ठीक है, आगे और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एबल टू डेवलप एंड मोटिवेटेड टीम एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। आपका जो टीम लीडर है, इंस्पेक्शन वाला है, इंस्पेक्टर, वो आपका मोटिवेट करने वाला होना चाहिए पूरी टीम को। ठीक है, और सभी को साथ में लेके चलने वाला हो, सभी को वो इम्पोर्टेंस बताए क्वालिटी की, कि क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है जब भी आप काम करें, और सभी को पर्सनली भी और टीम के भी, वो हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेके ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड रहना चाहिए। ठीक है, एक एक इंसान के लिए भी और टीम के लिए भी उसका ध्यान यही होना चाहिए कि हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही बन के निकले, और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो उसका उसको फुलफिल करने के लिए तैयार रहे हर टाइम। और क्या है, क्वालिटी एबल टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव स्टेक होल्डर एंड पार्टनर रिलेशनशिप प्लान विच डेवलप्स ट्रस्ट एंड इनेबल कंट्रीब्यूशंस। इसका मतलब है कि जो आपका इंस्पेक्टर है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स क्रिएट कर सके मार्केट में। इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जहां पे आप अपना प्रोडक्ट बेचने जाओ, वो आपको प्रॉपर फीडबैक भी दें उसकी, कि जो आपने पहले से हमें प्रोडक्ट दिया था, हम उसमें ये एडवांसमेंट चाहते हैं। वो तभी ले पाएंगे आप जब आपका इंस्पेक्टर सुनने वाला होगा, वो जब अपना सामान बेचने जाएगा वहां से कुछ फीडबैक भी लेके आएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा अगले वर्जन में, अपने अगले मॉडल के अंदर। एबल टू इंगेज ए वैरायटी ऑफ ऑडियंस थ्रू ए रेंज ऑफ मीडिया टू इन्फॉर्म एंड और परस्यू। इसका वही मतलब है कि ऑडियंस से भी फीडबैक देने वाला हो, जो इंस्पेक्टर वो ऑडियंस की सुने भी। आपने प्रोडक्ट बेच दिया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपका, जो आजकल हमारी ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट अमेजन, जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो नीचे हम रेटिंग भी देते हैं, उसके कमेंट्स भी करते हैं, रिमार्क्स भी देते हैं। तो जो अच्छे इंस्पेक्टर हैं वो उसको स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि
कि कस्टमर्स क्या कमियां निकाल रहे हैं, तो वो उसको टाइम टू टाइम दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इन सबसे क्या होता है कि जो आपकी क्वालिटी है वो आपकी मेंटेन रहती है, उसमें हमें हेल्प मिलती है। तो बच्चों, डेट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।